नमस्ते डियर स्टूडेंट, हम आगे अपना चैप्टर बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन जो हमने चालू किया था उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हमने पहला, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो प्रोडक्ट रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x into 1 upon derivative of this 1 plus x square plus tan inverse x as it is into 1. So dy upon dx is calculated. Now we take up the another example, log of x with base, let y is equal to log of x with base a and whole. log of x with base is the argument of this log. Now we have to differentiate this. जैसा कि हमने logarithmic जो function था उसका differentiation करना सीखा था, तो log of this argument वहाँ हमने एक discussion किया था कि भाई जो base है यदि a e नहीं है तो उसको break कर लिया जाए e में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बड़ा सा ही है इसका आर्गूमेंट, तो इसलिए हम सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन अपॉन लॉग एक्स विद बेस ए। विधि है या यूं कह दें कि भाई डिफरेंशिएशन का रूल है लॉग का, लॉग ऑफ आर्गूमेंट वन अपॉन आर्गूमेंट इनटू बेस यदि ई नहीं है तो लॉग ए अपॉन में डाल दें। एक बार फिर याद करने के लिए, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव बराबर है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, और लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए इसका डेरिवेटिव ये बराबर है वन अपॉन एक्स और अपॉन में लॉग ऑफ ए। यदि हमने बेस को ई में नहीं ब्रेक किया तो उसको डिफरेंशिएट करना सीधा हम इस ऐसे लिख देंगे वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। इसी प्रकार से यहाँ लॉग ऑफ आर्गुमेंट विद बेस ए, तो डिफरेंशिएशन जब हमने निकाला तो वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए इंटू लॉग ऑफ ए। बाय चैन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जैसे कि एक बार लिख लेते हैं लॉग एक्स विद बेस ए, this will be log of x with base a log a into derivative of this 1 upon x into log of a. On simplification we have log x with base a log of a into log of a, that means log of a whole square into 1 upon x. तो दिया हुआ एक्सप्रेशन था उसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया ही है। मान लिया यही क्वेश्चन कहीं मल्टीपल च्वाइस या मान लिया ऑब्जेक्टिव टाइप में दिखाया गया हो और उसके चार विकल्प में से एक विकल्प मान लिया सही है और उसमें मान लिया ये दिखाई नहीं दे रहा हो ये आंसर, हमने देखो डिफरेंशिएशन निकाला तो वो तो निकाल दिया कंप्लीट, सोर्स सही भी है। और यदि मान लिया हमने मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई टेस्ट दे रहे हैं और उसमें इसका डिफरेंशिएशन ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसको हम सिंपलीफाई आगे थोड़ा सा और कर सकते हैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करके। जैसे लॉग ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स विद बेस ई अपॉन लॉग ऑफ ए विद बेस ई इंटू लॉग ऑफ ए होल स्क्वेयर इंटू वन अपॉन एक्स, एक लॉग से एक लॉग काट दिया हमने तो सिंपलीफाइड फॉर्म बनी इसकी वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन अपॉन लॉग ए, ठीक है भाई। यही क्वेश्चन मान लिया प्रूव करना भी दे दे एग्जाम में आ सकता है कि भाई वाई इज दिस वी आर गिवन, तो देन फाइंड द डेरिवेटिव या प्रूव दैट द डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी दिस। Here in each logarithmic function base is e. So this is the second question. Now we take up the third question.
लोग log x with base 10 plus log 10 with base x plus log x with base x plus log 10 with base 10. Let this whole expression is denoted by y. हमें ये पूछा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ हमारे पास चार टर्म हैं अलग अलग, इनको अलग अलग हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला जो एक्सप्रेशन है सारे ही लॉग में है, तो लॉग ऑफ एक्स विद बेस 10। अब इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ तो जो बेस है वो हमारा कॉन्स्टेंट है एज ए 10, और एक्स यहाँ वेरिएबल है। इसका डिफरेंशिएशन हमें अभी अभी सीख चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स अपॉन में लॉग 10, या फिर इसको हम जो हमारा ई बेस है उसमें कन्वर्ट कर लिया जाए, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए, नंबर तो कॉन्स्टेंट है लेकिन जो बेस है वो वेरिएबल है, तो बेस यदि वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन सीधा नहीं हो सकता। इस टाइप वाले एक्सप्रेशन को तो पक्का ही हमने बेस में कन्वर्ट करना ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस एज इट इज विद बेस 10, इसको हमने लिख दिया लॉग 10 अपॉन लॉग एक्स विद बेस ई प्लस, ये हम जानते हैं कि लॉग का नंबर और बेस यदि इक्वल है एक को छोड़ करके, एक नहीं हो सकता या एक एक संभव नहीं है, वहाँ कह देंगे भी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग का जो बेस है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और एक भी ना हो, और यहाँ टेन टेन के लिए ये भी एक है, तो यहाँ हम कह देंगे वन प्लस वन दैट मीन्स टू। यानी कि हमने इस दीव एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लिया, अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू लॉग टेन अपॉन में लॉग 10 प्लस, यहाँ लॉग 10 न्यूमरेटर में है और डेनोमिनेटर वाले को हम ऊपर ले जा कर के इस तरह से लिख सकते हैं लॉग एक्स होल पावर माइनस वन और प्लस जीरो। ठीक, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमने लिख लिया एज इट इज, थोड़ा सा जटिल सा ही था, एक बार क्वोशेंट रूल लगाएं या फिर पावर रूल लगाएं, जैसे पावर रूल दिस विल बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स इन टू लॉग 10 प्लस, लॉग 10 इज द कॉन्स्टेंट हेयर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस अप्लाइंग पावर रूल माइनस वन इन टू वन अपॉन लॉग एक्स होल स्केयर, क्योंकि एक पावर गुणा में आ गई और एक घटके उसको ये लिख दिया, और फिर लॉग एक्स का अगेन डेरीवेटिव तो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डेरीवेटिव, तो ये जो एक्सप्रेशन था वो ये डिफ्रेंशिएट हो लिया और प्लस जीरो। तो सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसी प्रकार से इसी में भी कुछ और जोड़ दिया जाए, जैसे ए पावर एक्स प्लस ए पावर ए प्लस एक्स पावर ए, तो इन तीनों प्रकार की जो फॉर्म हैं इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं हम, जैसे ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए पावर ए इसका डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट तो जीरो, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए इंटू एक्स रेज टू पावर ए माइनस वन। अगला क्वेश्चन लिया हमने, जैसे कल हमने थ्योरी पढ़ी थी कि भी इम्प्लिसिट जो फॉर्म है उसके टाइप का कोई क्वेश्चन लिया, जैसे ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 20 मान लिया, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा। अब कोई कहेगा भी क्या इसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, या लॉग लगा लो दोनों साइड में, या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करना या एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करने की विधि है हमारे पास,
तो यहाँ लिख देंगे वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 20 विद बेस ई, या हम कह देंगे लॉग लगा दें दोनों साइड में तो वाई मल्टीप्लाई में आ जाएगी, लॉग ई ई वन हो जाएगा और यहाँ लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 20 विद बेस ई, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन था वो हमारा एक दिखने में तो इम्प्लिसिट फॉर्म दिख रही थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सप्लिसिट फॉर्म में। यहाँ डिफ्रेंशिएशन निकल ले तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स क्यू प्लस 20 और इसका अगेन डेरिवेटिव 3x2, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी को ही अब जैसे मान लिया कोई पूछ ले, देखो एक तो ये एक्सप्रेशन है, मान लिया सिद्ध करने वाली बात पूछ ले कि डी वाई अपॉन डी एक्स सिद्ध करो कि ये आया, या फिर इसी को यूँ पूछ ले जैसे CBSE इस प्रकार की बात पूछती है, ये एक्सप्रेशन दे दिया और ये एक्सप्रेशन हमें इम्प्लिसिट फॉर्म में दिखाई दे रहा है और इसमें पूछ ले कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इन टर्म ऑफ एक्स। इन टर्म ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो हमारे पास सारे की सारी एक्स में ही आई, तो यहाँ जैसे दिख रही है तो वहाँ हमने या तो इसको इम्प्लिसिट फॉर्म एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, इसका मतलब ये है कि एक साइड में सिर्फ एक्स एक्स इन्वॉल्व हो और एक साइड में अकेली वाई हो, तो वहाँ डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो हमारी वाई यानी सारे का सारा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में यूँ पूछ लें कि भाई इन टर्म ऑफ वाई डिफाइन करो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो और इन टर्म ऑफ वाई दिखाइए, तो उसके लिए हम सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो ई पावर वाई इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का अगेन डेरिवेटिव और जो राइट हैंड साइड है उसका डिफ्रेंशिएशन निकाला प्लस ये इतना। अब जब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स डिफाइन करनी है तो राइट हैंड साइड में 3x2 अपॉन ई पावर वाई है, 3x2 सीधा भी डिफ्रेंशिएशन करके, जैसे हमने यहाँ भी डिस्कस किया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स यदि हमने यहाँ सीधा डिफ्रेंशिएशन करके निकाल ली और ई पावर वाई की वैल्यू यहाँ से डाल दो, यहाँ रख लिया तो भी यही बात आ जाएगी, यानी वाई हमारी जो राइट हैंड साइड में है वो सारी ख़त्म हो ली है। अब यहाँ मान लिया एक्स को ख़त्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, तो 20 को इधर लाओ रेज टू पावर 1/3, यानी एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से और वो यहाँ डाल दो, तो सारे का सारा जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का जो एक्सप्रेशन आया है वो वाई में आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, यानी किस व्यू में प्रश्न में बात पूछी गई है उसी प्रकार से एक्सप्रेशन को बढ़ाओ आगे, सिंप्लीफाई करो इन टर्म ऑफ एक्स, या कुछ भी ना पूछा जाए कर दिया कि डिफ्रेंशिएशन निकालो इसका, तो सीधा डिफ्रेंशिएशन निकाल दो जैसे यहाँ निकाला डी वाई अपॉन डी एक्स सही है, या फिर इम्प्लिसिट फॉर्म जो है यदि वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में ब्रेक हो जाए आसानी से, यानी वाई बराबर है प्राप्त कर लें तो और भी बढ़िया बात है, तो उसको डिफ्रेंशिएशन निकाल करके यानी वाई के बराबर करके फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल ली जाए तो फिर ये भी सही है। प्रश्न में यदि पर्टिकुलरली कोई बात पूछी जाए इन टर्म ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई, तो तब हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है जो हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसका यूज होगा कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए, जैसे यहाँ ई रेज टू पावर वाई को हटाना है हमने, उसको हटाने के लिए ये वैल्यू डाल देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इन टर्म ऑफ एक्स हमें दिखाई देगी, तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। अनदर क्वेश्चन लिया एक इम्प्लिसिट फॉर्म का ही, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू अनदर एनी कॉन्स्टेंट लेट दिस इज इक्वल टू 2, डिफ्रेंशिएटिंग फिर वही बात है
कि भाई इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ वाई, इस तरह के क्वेश्चन में तो पूछे नहींगा, मतलब जो आसानी से जो बदले जा रहे हों, क्योंकि यहाँ हम देखें कि भाई ये वाई बराबर है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं बदल सकते हम आसानी से, बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए इसको सीधा डिफ्रेंशिएशन कर लें, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यूजिंग प्रोडक्ट रूल x एज इट इज इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू x डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। तो नाउ वी कलेक्ट द टर्म्स विच आर कनेक्टिंग विच हैव डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स टेकिंग कॉमन 2y प्लस x एंड द टर्म विच आर नॉट कंटेनिंग डी वाई अपॉन डी एक्स converting in right hand side, so this will be equal to minus y, here this will be minus 2x, so dy upon dx is equal to minus y plus 2x upon x plus 2y. और ले लिया जिसमें एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशन है उसमें एक इक्वेशन ले लिया हमने, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, ये एक दो बार एग्जाम में भी आया है कि 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस y, प्रश्न पूछ लिया कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको भी कई प्रकार से प्रश्न में पूछने की जो प्रक्रियाएं हैं वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात तो वही आई कि भी क्या मैं इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में बदला जा सकता है, तो देखो कोई विधि है कि, या फिर बाद में देखेंगे कि भाई चलो कोई ज़रूरी नहीं है एक्सप्लिसिट फॉर्म में बदलना, अभी इम्प्लिसिट फॉर्म दिखाई दी, कुछ भी यदि प्रश्न में ना पूछा जाए तो उसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हमने सिंपली निकालनी है, तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टू रेज टू पावर एक्स डिफ्रेंशिएट किया, टू रेज टू पावर एक्स एज इट इज इन टू लॉग टू प्लस टू रेज टू पावर वाई इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव इन टू लॉग टू इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एक्स प्लस वाई इन टू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू लॉग टू, इन इच टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड लॉग टू इज कैन बी सीन डिवाइडिंग बाई लॉग टू, हेयर वी हैव टू रेज टू पावर एक्स प्लस टू रेज टू पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म इकट्ठी कर ली जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स को इकट्ठा करते हैं, टू रेज टू पावर वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स इसको मल्टीप्लाई होगी और लेफ्ट हैंड साइड में ले आए उसको, तो टू रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, इन राइट हैंड साइड भी है, जब ये एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये यू का यू लिखते हुए, और लेफ्ट हैंड साइड से टू रेज टू पावर एक्स राइट हैंड साइड में गया तो चिन्ह ले लिया उसने नेगेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली आया हमारा, इन न्यूमरेटर में लिखते हैं टू रेज टू पावर अपॉन दिस नंबर, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब फिर वही बात है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन में सिद्ध करने वाली बात पूछ ली जाए कि भी जैसे ओरिजिनल जो इक्वेशन है बड़ी आसानी से टू रेज टू पावर एक्स प्लस वाई की जगह या के बराबर हम ये दो टर्म कनेक्ट होती दिख रहे हैं, टू रेज टू पावर कनेक्टेड बाय पॉजिटिव साइन, तो यहाँ यदि दो के ऊपर जो पावर एक्स प्लस वाई है इसको हटा करके ये रख लिया जाए नीचे भी रख लिया जाए तो भी वो डिफ्रेंशिएशन सेम है जो ये है, तो यहाँ 2 रेज टू पावर एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर सकते हैं 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 रेज टू पावर वाई माइनस 2 रेज टू पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर माइनस 2 रेज टू पावर एक्स प्लस वाई कैन बी रिप्लेस्ड बाई 2 पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर वाई, तो कैंसलिंग दीज टू,
here we have minus 2 raised to power y minus x. यानी कि इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब मान लिया इस क्वेश्चन में इतना ही पूछे कि भी डिफरेंशिएट दिस और हमने उत्तर निकाल दिया ये, तो यहाँ तक हमारा उत्तर सही है. और यदि इसी क्वेश्चन में सिद्ध करने वाली बात पूछ ले ये कि भी माइनस टू रेज टू पावर माइनस एक्स, तो फिर हमने इसी में परिवर्तन करके ये लिखना होगा. ये सेम है दोनों बातें, क्योंकि हमारी जो मदर इक्वेशन है या ओरिजिनल इक्वेशन है उससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया. ये बात एक ही है. और इसी क्वेश्चन को हम यदि तीसरे तरीके और तरीके से दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम 2 रेज टू पावर x प्लस वाई से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, आसान बना लें. हमारी प्रक्रिया ये होती है कि जो दिया गया है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया जाए. तो यार देखते हैं क्या ये सिंपल फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं हम 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1. ध्यान रहे कि भी हम आर पार गुणा जब करते हैं, कहने का मतलब ये, हाँ ये हुआ कि 2 रेज टू पावर x प्लस y से हमने दोनों साइड भी भाग दिया है. तो जब भी भाग दिया जाए वो कभी जीरो ना हो, नहीं तो हम भाग नहीं दे सकते. तो 2 रेज टू पावर x प्लस y कभी जीरो है ही नहीं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जीरो से बड़ी इसकी वैल्यू हमेशा आती है. तो इसलिए हमने भाग दे दिया. आगे और देखें, 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y अपॉन 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1. फर्दर हमने क्या किया कि वे अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन प्लस, ये हमेशा कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1. या इसको फिर 2 रेज टू पावर प्लस 2 रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 1. अब इसी एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया. अब यहाँ इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो वही डिफ्रेंशिएशन आना है जो ये आएगा. करके देख सकते हैं, 2 रेज टू पावर माइनस वाई इंटू लॉग 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ लॉग 2 से भाग दे दें और फिर यदि हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो हमारे पास माइनस से भी भाग दे दिया और यही आंसर आ रहा है माइनस 2 इंटू माइनस 2 रेज टू पावर वाई माइनस एक्स. सो तो ये भी एक विधि है इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने की. तो जो भी, तो किस परिदृश्य में सवाल को पूछा गया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. डेरिवेटिव में इसी प्रकार की पूछने की कोशिश करी जाती है इंसान में कि भी सीधा डिफ्रेंशिएशन पूछा है तो फिर तो चिंता नहीं है, या निकाल के छोड़ दो या थोड़ा वो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है फिर हमें. लेकिन यहाँ वो क्या वो मदर इक्वेशन बोल दे या ओरिजिनल इक्वेशन है, क्या उसका यूज किया है, तो उसका यूज करके हम, या फिर ये हमने डिस्कस किया. अभी एक एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हैं, वाई को हम अलग नहीं कर सकते, या यूं कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट फॉर्म बना दी गई एक, और उसको देखिए ध्यान से, x रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स दिस होल इज इक्वल टू 0. तो प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर. अब देखो इस एक्सप्रेशन में यदि हमने सीधा डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर दिया तो y भी इन्वॉल्व होगी, x भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमने जो डिफ्रेंशिएशन निकालना है या अंत में जो प्रूव करना है उसमें y का नामो निशान नहीं है. तो इसलिए इसको हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म में बदलना होगा. तो किस प्रकार की विधि एग्जीक्यूट करें, तो हमारी जो एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उनको सोल्व करने की जो विधियाँ हैं कि भाई यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दो ही टर्म हैं, एक टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं और फिर स्केयरिंग कर दें,
अध्याय हमने अपनी तरफ से एक विधि लगाई है जो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में बदलना तो कोई गलत काम नहीं है, सही कर दिया। अब कहा कि अब स्केरिंग करो इसको, तो ये स्केरिंग जो करते हैं हम, किसने कहा कि भी स्केरिंग कर दो? क्वेश्चन में तो नहीं कहा इसने कि स्केरिंग करके निकालो, हमने यदि स्केरिंग किया, हमने यदि इसको स्केरिंग कर दिया तो हम इसी एक्सप्रेशन में जो आगे आने वाली वैल्यूज हैं वो एक वैल्यू या दोनों वैल्यू गलत भी आ सकते हैं, उसके जिम्मेवार हम ही होंगे। तो यहाँ स्केरिंग यदि कर लिया तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आगे क्या होने वाला है वो हमने देखना होगा। तो देखते हैं, चलो स्केयर रूट को हटा लिया, क्योंकि सारे ही मैथमेटिक्स में हमारा बड़ा ये ध्यान रहता है कि भी कहीं भी थर्ड नंबर आ जाए, जैसे रूट है या क्यूब रूट है, उसको हटाया जाए ताकि वो सिंपल एक्सप्रेशन में वो दिखाई दे। तो फर्दर राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आ करके उसको सिंपलीफाई करते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही, प्लस एक्स स्केयर इंटू वाई माइनस वाई स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हियर वी फैक्टराइज दिस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फ्रॉम दिस वी टेक कॉमन एक्स वाई, हियर वी फाइंड वाई माइनस एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई और कॉमन ले लिया और इनर पार्ट हमें दिखाई दिया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी अब तक हम कर क्या रहे हैं, एक दिया हुआ एक्सप्रेशन था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सोल्व कर लिया और सोल्व करके ये आया हमारे आंसर। तो जैसे दसवीं में प्लस वन में काफ़ी इक्वेशन सोल्व करी हैं और उन इक्वेशन को सोल्व करने की विधियां भी यही है हमारी, रूट वगैरह है, स्केरिंग करो, स्केरिंग करके फैक्टराइज करो, और फिर अंत में हमारे पास ये आया कि भाई एक्स बराबर है वाई बराबर, एक्स बराबर वाई आया जैसे यहाँ से, और एक ये बराबर जीरो। तो हमने जो इसके रूट निकाल दिए या सोल्यूशन निकाल दिया इसका, एक्स बराबर वाई और दिस, क्या हम ये चेक करना ज़रूरी है कि भाई क्या ये दोनों जो सोल्यूशन आए हैं लास्ट में क्या ये इसके सोल्यूशन हैं? तो यदि मैं इसको देखूँ कि भाई एक्स बराबर है वाई, देखो मदर जो इक्वेशन होती है या ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है, यदि हम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे यहाँ स्केरिंग किया, तो स्केरिंग करने के बाद जो रूट आते हैं या सोल्यूशन आते हैं वो एक आधा सोल्यूशन हमारा गलत भी हो सकता है। तो वो चेक करते हैं कि भी क्या दोनों सही हैं। कहने का मतलब ये है कि भी ये ही और क्या ये आइडेंटिटिकली सेम हैं, क्योंकि इसी को सोल्व करके हमने ये बताया या फिर कह दिया कि भाई ये भी है, तो क्या ये आइडेंटिकली सेम है दोनों? तो एक बार x बराबर है y को इसमें डाल करके, x बराबर है y इसमें डाल के देखा तो 2 इंटू वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम कहेंगे कि भाई आइडेंटिकली, यानी ये जीरो हो जाए हमेशा और ये भी जीरो हो जाए, लेकिन संभव नहीं है, ये तो y बराबर जीरो और y बराबर है माइनस वन के लिए ही संभव है। यहाँ किसने कही थी कि भाई y की दो ही वैल्यूज के लिए ये डिफ्रेंशिएट करो? तो इसलिए इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे कि ये नहीं चलेगा। तो ये नहीं चलेगा तो फिर इतना तो जटिल क्वेश्चन आए भी नहीं गा हमारा, फिर तो ये चलेगा, ये आइडेंटिटिकली हम इक्वल मान सकते हैं, यानी दिस एक्सप्रेशन इज आइडेंटिटिकली इक्वल टू दिस। सो वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर लें, या एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी बदला जा सकता है, x को इधर ले गए, y कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर हमने dy वाई अपॉन डी एक्स निकाल दी क्वेश्चन रूल द्वारा, 1 प्लस एक्स का होल स्केयर, 1 प्लस एक्स एच डीज, ऊपर का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एच डीज इंटू 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x x कैंसिल हो लिया, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्केयर। तो सो
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कई बार पूछा भी है ये, और जो हायर एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन कई प्रकार के रूप में दे करके पूछ लिया गया है। जैसे एक तो कह दिया कि डिफरेंशिएशन निकालो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर तो डीवाई अपॉन डीएक्स जो भी आता है वो हमने लिख लिया, यानी कि हम यूं कह सकते हैं भी किस प्रकार की फॉर्म है ये, हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म है, वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, या यूं कह देंगे भी एक साइड में हम एक्स एक्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो एक तो विधि यही है कि डिफरेंशिएट कर लो, जो भी डीवाई अपॉन डीएक्स आया वो लिख दिया। एक इस क्वेश्चन में यूं पूछ ले कि डीवाई अपॉन डीएक्स निकालो इन टर्म ऑफ एक्स और इन टर्म ऑफ वाई, तो इन टर्म ऑफ वाई में जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा जल्दी से सोल्व हो जाता है। जैसे एक्स इज इक्वल टू, या कहने का मतलब ये है इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया जाए, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई और इज इक्वल टू एक्स। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमने डीवाई अपॉन डीएक्स तो निकालनी तो है ही है, एक्स को ख़त्म करना है, तो यहाँ यदि मैं अब डिफ्रेंशिएशन निकालूँ इसका तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, सारा एक्सप्रेशन वाई वाई में आएगा और डीवाई अपॉन डीएक्स भी आ जाएगी, तो जो भी आया वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको मैं डिफ्रेंशिएशन निकालूँ इसका, तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन स्केयर ए प्लस वाई, तो साइन ए प्लस वाई एज इट इज इन टू डेरीवेटिव ऑफ दिस कोस वाई इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस हेयर वी हैव कोस साइन वाई एज इट इज इन टू डेरीवेटिव ऑफ दिस कोस ए प्लस वाई इन टू डेरीवेटिव ऑफ दिस डी वाई अपॉन डी एक्स, टेकिंग डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन एंड द रिमेनिंग विच इज इन द ब्रेकेट। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक सूत्र दिखाई दे रहा है ये साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्केयर ए प्लस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल कर दिया और दिस इज इक्वल टू वन, क्योंकि राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव वन है, तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी सिंप्लीफाई किया है कुछ नहीं, तो साइन स्केयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो ये हमें सीबीएसई ने या कई एक दो हरियाणा बोर्ड या काफ़ी बोर्ड जो हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार इस टाइप में। एक बार तो पूछ लिया कि डिफरेंशिएशन निकाल दो, तो हमारी हम खुले हैं फ्री हैं किसी प्रकार से डिफरेंशिएशन, जैसे इम्प्लिसिट फॉर्म है सीधा डेरिवेटिव निकाल दिया। एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन टर्म ऑफ वाई जवाब दो, तो हमने एक्स को जितना कम से कम एक्स हो, यानी एक्स को ख़त्म करना है, तो एक्स ख़त्म तभी हो सकता है जब एक साइड में अकेला एक्स हो, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके हमने फ्री फ्रॉम एक्स उत्तर निकाल दिया। एक इसी क्वेश्चन में मान लिया यूं पूछ लिया जाए कि फ्री फ्रॉम वाई करो इसको, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमें राइट हैंड साइड है वो एक्स एक्स में दिखाई जाए, तो फिर तो वाई ख़त्म करनी है। हो सकता है ये जो मदर इक्वेशन है या ओरिजिनल इक्वेशन इसका भी यूज हो जाए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लें, क्योंकि x को हमने सेफ रखना है, x को ख़त्म नहीं करना, तो इस प्रकार से कि x को जैसे आर पार गुणा में इस तरह से ले लें, वन अपॉन x इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई अपॉन साइन वाई, दिस कैन बी रिटर्न दिस। अब यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी हम जैसे क्वेश्चन टू लगा के, तो साइन स्क्वायर वाई या साइन वाई एज इट इज इसका डेरिवेटिव कोस ए प्लस वाई, फिर माइनस माइनस में साइन ए प्लस वाई एज इट इज और जो डेनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव कोस वाई और टोटली इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने डेरिवेटिव निकाली है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इन लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड द न्यूमरेटर में देखें तो फिर फार्मूला दिखाई दिया हमने साइन कोस, यानी साइन एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो ऊपर से हमारा सूत्र फिर दिखाई दिया कि भी वाई माइनस ए माइनस वाई अपॉन साइन स्केयर वाई,
साइन स्केयर वाई, तो यहाँ से फिर वाई से वाई कैंसिल हुआ हमारा। थोड़ा सा यहाँ रिपीट करते हैं, साइन आर पार गुणा में क्या वही है, बिल्कुल वही एक्स, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग से ये अभी माइनस माइनस वन अपॉन एक्स स्केयर, दिस विल बी नेगेटिव, बाहर आया वाई से वाई कट के, तो साइन ए अपॉन साइन स्केयर वाई, और यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया, और इन टू में डी वाई अपॉन डी एक्स, इन टू में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यदि मैं इसी को ही आगे बढ़ाते हुए, यदि मैं डी वाई अपॉन डी एक्स अलग से लिखना चाहूँ, तो वो आया वन अपॉन एक्स स्केयर, और इन टू में ये जो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव साइन ए, तो अपॉन में दिखाई दिया, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो एक्स है भी ना भी है तो चलेगा, यानी वाई से फ्री करना है हमने, और ये है साइन स्केयर, या इसको कोसेक स्केयर वाई लिख लें। क्यों लिख लिया कोसेक स्केयर वाई, क्योंकि यहाँ से इसके पास जाएं, या फिर यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको आगे और सिंप्लीफाई करके इसमें बदलाव करना होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि भी साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इन टू, इसको जैसे खोल लें, साइन ए कोस वाई और प्लस कोस वाई साइन ए, ठीक है, यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं साइन वाई से, तो साइन वाई से डिवाइड किया, साइन वाई से डिवाइड किया, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी एक्स इन टू, दिस विल बी साइन ए कोट वाई और प्लस ये आ जाएगा कोस ए, साइन वाई से भाग दिया। क्यों कर रहे हैं हम ये काम, क्योंकि जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आया है उसमें प्रश्न में ये पर्टिकुलरली पूछा गया है कि भी इन टर्म ऑफ एक्स डिफाइन करिए डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो हमारे पास समस्या ये आई कि कोस एक्स स्क्वायर वाई को हटाया जाए, तो कोस एक्स स्क्वायर वाई जो मदर इक्वेशन है वहाँ से कहीं निकल के आएगी इन टर्म ऑफ एक्स, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ देखो कोट ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इधर ले आए एक्स साइन ए अपॉन में ले आए, तो कोट वाई की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, तो कोट वाई इज इक्वल टू वन, ये मल्टीप्लाई में है एक्स, तो एक माइनस एक्स इंटू कोस ए, कोस ए और होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन ए, ये कोट वाई हमने निकाल दिए फ्रॉम द मदर इक्वेशन, और यहाँ जो कोट वाई है उसकी वैल्यू यहाँ डाल दी जाए, वन अपॉन एक्स स्केयर साइन ए जो जो जैसा यूं का यूं, और इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्केयर वाई, ठीक है, और यहाँ कोट स्केयर की वाई वाई की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पर्सन को किस कॉन्टेस्ट में वो पर्सन को पूछता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन में। डेरिवेटिव तो हर कोई कर सकता है, क्वेश्चन टूल लगाओ, प्रोडक्ट टूल लगाओ, या जो भी कुछ एक पर्टिकुलर केसेज हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई इन टर्म ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई, ये हमारा एक क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट, कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, अपने आप डिस्कस करने हैं, अपनी किताब में भी हैं ये क्वेश्चन। तो तुमने लगातार यूँ मानो कि तीन एक्सरसाइज हमारी दो तीन दिन के दौरान जो थ्योरी डिस्कस करी है उसमें थ्योरी तो कंप्लीट हो ली है, कुछ क्वेश्चंस हमारे डिस्कस करे हैं आज हमने, तो कुछ एक क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दिया, वाई इंटू वन माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन, अभी अभी हमने ऊपर किया था ये क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दिखाई दिया ये भी, वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स, तो इसको हमने एल्जेब्रिकली स्केयरिंग करके कुछ सोल्व कर लिया था। अब इसमें भी जैसे डेरिवेटिव जो पूछी गई है उस पर ध्यान दियो कि भी डिफ्रेंशिएशन निकालो और इसका सिद्ध करके दिखाओ कि ये आए वन माइनस वाई स्केयर अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर। तो यदि किसी स्टूडेंट ने इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि भी ये फॉर्म ना आए, गलती हो जाए, तो इसलिए कुछ सोच समझ के, क्योंकि हम काफ़ी प्रकार की विधियाँ सीख चुके हैं डिफ्रेंशिएशन में, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
क्योंकि यहाँ जो थर्ड टर्म है रेडिकल साइन जो है हमारे पास, वहाँ हम देखेंगे रूट के अंदर मस्ट बी पॉजिटिव और जीरो, दिस मस्ट बी जीरो और पॉजिटिव। तो इसलिए कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन डाल सकते हैं कि भाई कि ये रूट भी हट जाए और वो काम कर जाए, तो 1-x² या 1-y² कहीं भी दिखाई दे तो साइन थीटा हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1x की जगह साइन थीटा पुट कर दिया और y की जगह साइन फॉर अनदर आर्गुमेंट या अल्फा बीटा ले सकते हैं, तो ये भी एक विधि है हमारी। तो y की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा, ये आ जाएगा कोस बीटा, क्या रख दिया हमने x = sin β, और प्लस x की जगह साइन बीटा पुट किया है और ये हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा, क्योंकि y = पुट किया हमने साइन फॉर अनदर आर्गुमेंट, क्योंकि सेम आर्गुमेंट भी कुछ भी पुट करो क्योंकि हमने तो x और y का पता नहीं है कौन कौन क्या वैल्यू लेंगे, तो अलग अलग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मान लिए और बराबर 1। तो यहाँ से देखें तो ये एक फार्मूला दिखाई दिया साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। हमें तो एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो छोटे से भाग में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, कॉन्स्टेंट इधर ले गए, और अल्फा प्लस बीटा जो भी है, अब अल्फा और बीटा की मैं वैल्यू डाल करके साइन इनवर्स, अल्फा का मतलब है यहाँ से वाई, बीटा का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, और इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, और डिफ्रेंशिएशन निकाल करके हम यहाँ प्रूव कर देंगे कि भी ये डेरिवेटिव आया, ठीक है। इसी प्रकार से और कोई भी क्वेश्चंस की बनावट पावर अधिक डाल करके, हमारी किताब में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, तो उनको किस परिदृश्य में उस सवाल को निकाला जाए, अलजेब्रिकली सॉल्व करें या फिर ट्रिग्नोमेट्री की मदद हो रही है, क्योंकि यहाँ देखेंगे भी वाई जो है वो -1 से बड़ा है, तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि भी वाई की जगह ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ कर ली जाए, यहाँ भी नहीं है, और यदि यूज कर भी लिया तो फिर हमारा रूट नहीं हटवाएगा। यहाँ हम रूट हटाने में कामयाब हो गए, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद ले ली और फिर डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया और आसानी से जल्दी से सॉल्व हो लिया। यदि सीधा डेरिवेटिव निकालें तो भी निकलेगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें फिर गलती की संभावना है, लंबा खींचेगा क्वेश्चन, तो शॉर्ट मेथड अप्लाई कीजिए। तो अपनी बुक में 2-3 एक्सरसाइज लगातार कल तक तैयार होनी चाहिए। जो भी समस्या आ रही है स्कूल में तुम्हें सुविधा दी गई है उसके ऊपर कमेंट दीजिए ताकि हमें पता लगे कि किस प्रकार की समस्याएं आई हैं। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE ने कई बार पूछा भी है ये, और जो IR एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन कई प्रकार के रूप में दे करके पूछ लिया गया है। जैसे एक तो कह दिया कि भी डिफ्रेंशिएशन निकालो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर तो DY/DX जो भी आता है वो हमने लिख लिया, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं भी किस प्रकार की फोरम है ये, हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फोरम है, वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, या यूँ कह देंगे भी एक साइड में हम x में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो एक तो विधि यही है कि भी डिफ्रेंशिएट कर लो, जो भी DY/DX आया वो लिख दिया। एक इस क्वेश्चन में यूँ पूछ ले कि भी DY/DX निकालो इन टर्म ऑफ x और इन टर्म ऑफ y, तो इन टर्म ऑफ y में जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा जल्दी से सोल्व हो जाता है। जैसे x = या कहने का मतलब ये है कि इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया जाए sin y / sin a + y और is = x। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमने DY/DX तो निकालनी तो है ही है, x को ख़त्म करना है, तो यहाँ यदि मैं अब डिफ्रेंशिएशन निकालूँ इसका तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सारा एक्सप्रेशन y में आएगा और DY/DX भी आ जाएगी, तो जो भी आया वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको मैं डिफ्रेंशिएशन निकालूँ इसका, तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो sin² a + y, तो sin a + y एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस cos y (DY/DX) माइनस हेयर भी है cos sin y एज इट इज,
into derivative of this cos a plus y into derivative of this dy upon dx. Taking dy upon dx common and the remaining which is in the bracket, थोड़ा ध्यान से देखिए, एक सूत्र दिखाई दे रहा है, ये साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्केयर ए प्लस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल कर दिया और दिस इज इक्वल टू वन, क्योंकि राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव वन है, तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी सिंप्लीफाई किया है कुछ नहीं, तो साइन स्केयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो ये हमें CBSE ने या कई एक दो हरियाणा बोर्ड या काफ़ी बोर्ड जो हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार इस टाइप में। एक बार तो पूछ लिया कि डिफ्रेंशिएशन निकाल दो, तो हमारी हम खुले हैं, फ्री हैं किसी प्रकार से डिफ्रेंशिएशन, जैसे इम्प्लिसिट फॉर्म है, सीधा डेरिवेटिव निकाल दिया। एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन टर्म ऑफ वाई जवाब दो, तो हमने एक्स को जितना कम से कम एक्स हो, यानी एक्स को ख़त्म करना है, तो एक्स ख़त्म तभी हो सकता है जब एक साइड में अकेला एक्स हो, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके हमने फ्री फ्रॉम एक्स उत्तर निकाल दिया। एक इसी क्वेश्चन में मान लिया, यूँ पूछ लिया जाए कि फ्री फ्रॉम वाई करो इसको, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमें राइट हैंड साइड है वो एक्स एक्स में दिखाई जाए, तो फिर तो वाई ख़त्म करनी है। हो सकता है ये जो मदर इक्वेशन है या ओरिजिनल इक्वेशन इसका भी यूज हो जाए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लें, क्योंकि x को हमने सेफ रखना है, x को ख़त्म नहीं करना, तो इस प्रकार से कि x को जैसे आर पार गुणा में इस तरह से ले लें, वन अपॉन x इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई अपॉन साइन वाई, दिस कैन बी रिटर्न दिस। अब यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी हम जैसे इक्वेशन टू लगा के, तो साइन स्क्वायर वाई या साइन वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कोस ए प्लस वाई, फिर माइनस माइनस में साइन ए प्लस वाई एज इट इज, और जो डेनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव कोस वाई टोटली इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने डेरीवेटिव निकाली है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इन लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड द न्यूमरेटर में देखें तो फिर फार्मूला दिखाई दिया हमने, साइन कोस यानी साइन एज इट इज इसका डेरीवेटिव, तो ऊपर से हमारा सूत्र फिर दिखाई दिया कि भी वाई माइनस ए माइनस वाई अपॉन साइन स्केयर वाई साइन स्केयर वाई, तो यहाँ से फिर y से y कैंसिल हुआ हमारा, थोड़ा सा यहाँ रिपीट करते हैं, साइन आर पार गुणा में क्या वही है, बिल्कुल वही x, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग सही है भाई, माइनस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी नेगेटिव बाहर आया y से y कट के, तो साइन a अपॉन साइन स्क्वायर y, और यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया, और इन टू में डी वाई अपॉन डी एक्स इन टू में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यदि मैं इसी को ही आगे बढ़ाते हुए, यदि मैं डी वाई अपॉन डी एक्स अलग से लिखना चाहूँ तो वो आया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इन टू में ये जो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी है साइन ए तो अपॉन में दिखाई दिया, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो एक्स है भी ना भी है तो वो तो चलेगा, यानी वाई से फ्री करना है हमने, और ये है साइन स्केयर, या इसको कोसेक स्केयर वाई लिख लें, क्यों लिख लिया कोसेक स्केयर वाई, क्योंकि यहाँ से इसके पास जाएं या फिर यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको आगे और सिंप्लीफाई करके इसमें बदलाव करना होगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि भी साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इन टू, इसको जैसे खोल लें साइन ए कोस वाई और प्लस कोस वाई साइन ए, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं साइन वाई से, तो साइन वाई से डिवाइड किया, साइन वाई से डिवाइड किया तो दिस एक्सप्रेशन विल बी एक्स इनटू, दिस विल बी साइन ए कोट वाई और प्लस ये आ जाएगा कोस ए, साइन वाई से भाग दिया,
क्यों कर रहे हैं हम ये काम, क्योंकि जो हमारा dy अपॉन dx आया है उसमें प्रश्न में ये पर्टिकुलरली पूछा गया है कि भी इन टर्म ऑफ x डिफाइन करिए dy अपॉन dx को, तो हमारे पास समस्या ये आई कि cos x स्क्वायर y को हटाया जाए, तो cos x स्क्वायर y जो मदर इक्वेशन है वहाँ से कहीं निकल के आएगी इन टर्म ऑफ x, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ देखो cot a कॉन्स्टेंट टर्म है इधर ले आए, x साइन a अपॉन में ले आए, तो cot y की वैल्यू हमारे पास मिल गई है, तो cot y इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में x है, तो 1 माइनस x इंटू cos a, cos a और होल डिवाइडेड बाय x इंटू साइन a, ये cot y हमने निकाल दिए फ्रॉम द मदर इक्वेशन। और यहाँ जो cot y है उसकी वैल्यू यहाँ डाल दी जाए 1 अपॉन x स्क्वायर साइन a जो जो जैसा यूं का यूं, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर y, ठीक है, और यहाँ cot स्क्वायर की y y की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये हमारा dy अपॉन dx। तो पर्सन को किस कॉन्टेस्ट में वो पर्सन को पूछता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन में। डेरिवेटिव तो हर कोई कर सकता है, क्वेश्चन टूल लगाओ, प्रोडक्ट टूल लगाओ, या जो भी कुछ एक पर्टिकुलर केसेस हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई इन टर्म ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वाई, ये हमारा एक क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट, कुछ एक जो क्वेश्चन हैं वो बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, अपने आप डिस्कस करने हैं, अपनी किताब में भी हैं ये क्वेश्चन। तो तुमने लगातार यूँ मानो कि 3 एक्सरसाइज हमारी 2-3 दिन के दौरान जो थ्योरी डिस्कस करी है उसमें थ्योरी तो कंप्लीट हो ली है, कुछ क्वेश्चन हमारे डिस्कस करे हैं आज हमने, तो कुछ एक क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दिया वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अभी अभी हमने ऊपर किया था ये क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दिखाई दिया ये भी वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसको हमने एल्जेब्रिकली स्केयरिंग करके कुछ सोल्व कर लिया था। अब इसमें भी जैसे डेरिवेटिव जो पूछी गई है उस पर ध्यान दियो कि भाई डिफ्रेंशिएशन निकालो और इसका सिद्ध करके दिखाओ कि ये आए 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर। तो यदि किसी स्टूडेंट ने इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि भी ये फॉर्म ना आए, गलती हो जाए, तो इसलिए कुछ सोच समझ के, क्योंकि हम काफ़ी प्रकार की विधियाँ सीख चुके हैं डिफ्रेंशिएशन में, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्योंकि यहाँ जो थर्ड टर्म है रेडिकल साइन जो है हमारे पास, वहाँ देखेंगे रूट के अंदर मस्ट बी पॉजिटिव और जीरो, दिस मस्ट बी जीरो और पॉजिटिव, तो इसलिए कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन डाल सकते हैं कि भाई कि ये रूट भी हट जाए और वो काम कर जाए, तो 1 माइनस एक्स स्केयर या 1 माइनस वाई स्केयर कहीं भी दिखाई दे तो साइन थीटा हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया और वाई की जगह साइन फॉर अनदर आर्गूमेंट या अल्फा बीटा ले सकते हैं, तो ये भी एक विधि है हमारी, तो वाई की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा, ये आ जाएगा कोस बीटा, क्या रख दिया हमने एक्स इज इक्वल टू साइन बीटा, और प्लस एक्स की जगह साइन बीटा पुट किया है और ये हमारा साइन अल्फा कोस अल्फा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू पुट किया हमने साइन फॉर अनदर आर्गूमेंट, क्योंकि सेम आर्गूमेंट भी कुछ भी पुट करो, क्योंकि हमने तो एक्स और वाई का पता नहीं है कौन कौन क्या वैल्यू लेंगे, तो अलग अलग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मान लिए और बराबर है 1। तो यहाँ से देखें तो ये एक फार्मूला दिखाई दिया साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, हमें तो एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो छोटे से भाग में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कॉन्स्टेंट इधर ले गए और अल्फा प्लस बीटा जो भी है, अब अल्फा और बीटा की मैं वैल्यू डाल करके साइन इनवर्स, अल्फा का मतलब है यहाँ से वाई, बीटा का मतलब है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, और डिफ्रेंशिएशन निकाल करके हम यहाँ प्रूव कर देंगे कि भी ये डेरिवेटिव आया।
इसी प्रकार से और कोई भी क्वेश्चंस की बनावट पावर अधिक डाल करके हमारी किताब में काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, तो उनको किस परिदृश्य में उस सवाल को निकाला जाए, एलजेब्रिकली सोल्व करें या फिर ट्रिग्नोमेट्री की मदद हो रही है, क्योंकि यहाँ देखें कि वाई जो है वो माइनस एक से बड़ा है, तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि भाई वाई की जगह ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ कर ली जाए, यहाँ भी नहीं है, और यदि यूज कर भी लिया तो फिर हमारा रूट नहीं हटवाएगा, यहाँ हम रूट हटाने में कामयाब हो गए, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद ले ली और फिर डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया और आसानी से जल्दी से सोल्व हो लिया। यदि सीधा डेरिवेटिव निकालें तो भी निकलेगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें फिर गलती की संभावना है, लंबा खींचेगा क्वेश्चन, तो शॉर्ट मेथड अप्लाई कीजिए। तो अपनी बुक में दो तीन एक्सरसाइज लगातार कल तक तैयार होनी चाहिए, जो भी समस्या आ रही है स्कूल में तुम्हें सुविधा दी गई है उसके ऊपर कमेंट दीजिए ताकि हमें पता लगे कि किस प्रकार की समस्याएं आई हैं। थैंक यू स्टूडेंट।